हेलो दोस्तों, मैं नासिर अली खान आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपके सामने 10 बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपको बेहद ही लाभ इन सवालों से मिलने वाला है। तो आप ये लगभग 10 सवाल आपके 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, और आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले सवाल पर चलते हैं और एकदम बेसिक से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सवाल देखिए, हमारे फर्स्ट सवाल कहता है बेटा कि इफ़ साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कोस 5y प्लस 25, वेयर 5x माइनस 25 डिग्री एंड 5x प्लस 25 डिग्री आर एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। अब ये सवाल आपके सामने लिखा है, तो सबसे पहले आपको बात मालूम होनी चाहिए कि बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। और यहां आपको दे रखा है कि यदि मैं इसको बेटा यदि मैं इसको ये आपको दे रखा है साइन 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 5y प्लस 25 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा और कोस थीटा किस कंडीशन में इक्वल होंगे। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो उस समय आपके साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो जब आपके सामने ये दे रखा है तो आप यहां से निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 5x माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 5y प्लस 25 डिग्री। अगर मैं यहां से 5x माइनस 5y देखूं तो आपका ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ये कितना होगा 50 डिग्री। और आपका क्या दे रखा है, वेयर 5x माइनस 25 डिग्री एंड 5y प्लस 25 डिग्री आर एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अगर हम यहां से करते हैं तो यहां बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 10 डिग्री। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करते हो तो सवाल हो जाता है काफी लंबा। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करने के बाद आप क्या करोगे, आपको करना ये है, आप देखोगे बेटा यहाँ 5x माइनस 25 डिग्री और ये किसके बराबर होगा आपका 45 डिग्री के। ये साइन थीटा और कोस थीटा किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब आपकी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ये किसके किसके बराबर है 45 डिग्री के। तो यहाँ से यदि मैं 5x की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा बेटा 45, और 25 आपका कितना हो जाएगा 70, इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 14। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 14 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। उसी कंडीशन से आप यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हो, 5y प्लस 25 इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा 45, और यहाँ से 5y बराबर कितना आ जाएगा बेटे 20, और y की वैल्यू आपकी कितनी बनेगी 4। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 4। तो आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 14 प्लस 4, तो राइट आंसर कितना होगा 18 डिग्री। बात समझ में आई होगी आपके। तो कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए, जब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा उस कंडीशन में आपके इक्वल होंगे जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। बात समझ में आई है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्या ए मैन एंड ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन ए हाफ द टाइम टेकन बाई ए वुमेन एंड ए वाई टुगेदर, ए वाई कैन क्या लिख रखा है, ये फिनिश लिख रखा है बेटा, फिनिश द वर्क अलोंग इन 20 डेज एंड टू वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इन 30 डेज, इफ हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश बाई फोर मैन। तो कहने का मतलब ये है इस सवाल का कि एक आदमी और एक महिला किसी काम को जितने समय में करते हैं उसके आधे समय में एक लड़का और एक महिला करती है। अगर एक लड़का उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और दो महिलाएं उसी काम को 30 दिन में पूरा करती हैं,
तो आपसे सवाल में पूछा ये गया है कि चार मैन उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखोगे बेटा, ये हाल फिलहाल में जो आपका 2023 में SSC CGL का जो एग्जाम हुआ था उसके प्री का ये सवाल है। तो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ एक मैन और एक वुमेन, यानी कि एक मैन है, मैन को हम मेल मानते हैं बेटा, और एक फीमेल है। बेटा जितना समय ये लेते हैं, वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टूगेदर इन हाफ द टाइम टेकन वाई अ वुमेन और फीमेल है बेटा एक, और बेटा आपका बॉयज है, यानी कि बॉयज है। अब ये इसमें कहा गया है जितना टाइम ये लेते हैं एक महिला और एक लड़का, उससे आधा समय कौन लेता है बेटा, एक मेल और फीमेल। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, अगर टाइम और इफिशेंसी का मैं रिलेशन देखूं, जो टाइम होता है वो इस इफिशेंसी का उल्टा होता है, या इफिशेंसी यानी कि क्षमता टाइम का इक्वल होती है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए आप, यदि ये दो दिन का समय लेते हैं तो ये कितना समय लेंगे, एक दिन का समय। बात समझ में आई आप लोगों के या नहीं? देखो ये कहा ना, ए मैन ए वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन वाई अ वुमेन एंड अ वॉइस टुगेदर। अगर ये दो दिन लेते हैं तो ये कितना लेंगे, एक दिन। अगर मैं यहां इफिशेंसी का रेशियो देखूं बेटे, इफिशेंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1, कितना आ जाएगा, 2:1। बहुत ही शानदार और लाजवाब सवाल है, आप ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा आपके। चलिए अब अगला सेंटेंस क्या है, एक लड़का कैन फिनिश द वर्क अलोंग इट 20 डेज। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, एक आपका क्या है, लड़का है, उस वो लड़का उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी कि टोटल काम कितना होगा, यानी कि डेज गुणा में इफिशेंसी आपका टोटल काम होगा, एंड दो वुमेन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, यानी कि मैं दो फीमेल है बेटे और उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब यहां से आप एक लड़के की और एक महिला की क्षमता का आप अनुपात निकालोगे तो बेटा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी बटे एफ कितना आएगा आपका, 3/A। ये कितना आएगा, 3/A। ये एक लड़का एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक लड़का एक दिन में यदि 3 यूनिट काम करता है और एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। यदि मैं टोटल काम की बात करूं, जो टोटल आपका वर्क होगा वो बेटे कितना होगा, आप बोलोगे गुरुजी टोटल काम हो जाएगा कि 3 यूनिट बी लड़के की है और 20 दिन लगा रहा है, तो 20 गुणा में 3 यानी कि काम हो गया आपका 60। अब इस 60 को कराना है और 4 आदमियों से कराना है, और कितना टाइम वो लेंगे आपको ये निकालना है। अब आप ध्यान से सुनो, अब यहां आपको क्षमता किसकी चाहिए, यानी कि एक मेल की क्षमता चाहिए। अब मेल की क्षमता कैसे निकालोगे, यहां देखोगे बेटा टोटल क्षमता कितनी है, 4, और यहां इनकी मेल फीमेल और वाई की क्षमता कितनी है बेटा, 1। तो आपकी यहां 1 क्षमता है, यहां 4, तो आप इसको इक्वल करोगे। इक्वल करने के लिए 4 से यहां गुणा 4 से यहां गुणा, ये कितना आ जाएगा बेटे, 8, और ये कितना आ जाएगा, 4। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, एक फीमेल की क्षमता कितनी, 1, और ये कुल मिलाकर कितना है, 8, रिमेनिंग कितनी बची, 7। अब काम किससे कराना है हमें बताओ, यानी कि 4 आदमियों से काम कराना है तो कितने दिन लेंगे, तो बेटा आपको निकालना है कि 4 आदमी हैं और एक मेल की क्षमता कितनी है बेटा, 7। तो 4 × 7 × days और इजिकल टू कितना बेटे, 60 काम। तो डी बराबर 60 बटे में कितना, 4 × 7, तो 4 कितना आ जाएगा बेटा, ये 15, और इसको गुणा करोगे 7 × 2 = 14, कितने बच जाएंगे, 1, और 7 × 7 और 7 × 4 = 28, तो आपका सही जवाब होगा 2.14 days। तो बात समझ में आई आपके, ठीक है। SSC CGL 2023 बेटे प्री का ये सवाल है, देखो कितना
घुमा फिरा के सवाल दिया है टाइम एंड वर्क का, बट आपकी मेंटेलिटी को देखता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। ठीक है, दोबारा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, सवाल में ये कहा गया है कि जब एक आदमी और एक महिला मिलकर काम को करने में जितना समय लेते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक महिला उसका दुगुना लेगी। जब ये आधा तक समय लेते हैं तो ये दुगुना समय लेगा, तो टाइम कितना हुआ 1:2 का, तो इफिशेंसी का अनुपात हुआ 2:1। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो टाइम होता है वो इफिशेंसी का उल्टा होता है और जो इफिशेंसी होती है वो टाइम का उल्टा होती है। ठीक है, तो फिर हमने देखा अगले सेंटेंस में लिखा है कि 20 दिन में एक लड़का उस काम को पूरा करता है, तो बेटा यहाँ से मैं टोटल काम भी कह सकता हूँ, ये कितना होगा, टोटल वर्क होगा। तो मैंने देखा एक लड़का और एक फीमेल की इफिशेंसी कितनी आई, 3:1 आ गया। तो हमने देखा कुल मिलाकर यहाँ 1 इफिशेंसी और बेटा यहाँ 4, तो ये इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने इक्वल करा तो ये इसकी क्षमता कितनी आ गई, 8, तो फीमेल की क्षमता कितनी, 1, रिमेनिंग कितनी बची, 7 कितनी होगी मेल की, और 4 आदमी उस काम को करते हैं तो 4 में इफिशेंसी गुणा डेज, तो 60 काम हो गया। तो यहाँ से कितना डेज आ जाएगा बेटा, 2.14 आपका डेज आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 क्या कहता, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है बेटे इस PDF में, तो आपको ध्यान से देखने हैं। देखो आप, इफ मोहित कैन कंप्लीटली 2/3 ऑफ ए वर्क इन 24 डेज। कहने का मतलब ये है कि यदि मोहित एक काम का 2/3 भाग को पूरा करने में 24 दिन का समय लेता है, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। अगर मोहित एक काम को पूरा करने में, यानी कि 2/3 काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है, 24 दिन का, तो आपसे पूछा है 1/9 काम को पूरा करने में उसको कितने दिन का समय लगेगा। यदि मैं टोटल काम की बात करूं बेटा, जो टोटल काम होता है आपका, अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो आपका निकल कर आता है बेटा M1D1/W1=M2D2/W2। आप यहाँ बेटा H1 भी मान सकते हो, जो डे यानी कि अवर दे रखे होते हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी कि टोटल काम बराबर होता है। अब यहाँ देखो, मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 24 डेज। अगर मोहित 24 काम को पूरा कर, यानी कि 24 दिन का समय लेता है, तो कितना काम करता है, 2/3। अब आपको क्या निकालना बेटा, डेज, और कितने काम को पूरा करना है, 1/9। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, ये आप ऊपर डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप, कि यहां से कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 बचेगा, यहां 3 पहुंच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटे, 1, और ये 9 हो जाएगा। आप ये इसको किससे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, 2 से काटोगे 12 बार, और 12 36 बराबर, यानी कि 9×D, इसको काटोगे 4 डेज, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, आपका 4 डेज राइट आंसर होगा। तो राइट बी 4 से आपका 4 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए हल्का सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पर, ध्यान से सुनिए बेटा। 2 chords ऑफ ए सर्किल AB and CD मीट आउटसाइड द सर्कल एट ए पॉइंट P। इफ AB = 200 mm एंड AP 200 mm, देन AB = 120 mm एंड CP = 160 mm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। हर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आने वाला है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम इस सवाल को करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये एक आपका सर्कल होता है। सर्कल में आपको क्या दे रखा है कि 2 chords ऑफ ए सर्कल AB, एक कोर्ड बेटा ये है AB और एक कोर्ड बेटा ये है, इसको मैं A और इसको B, और आपका आउटसाइड द सर्कल ऑफ ए AB and CD, ये आपका क्या है बेटा, CD, और ये जो मिल रहे हैं ना, ये एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं,
किस पर, जिसका नाम दे दिया हमने p। अब बात ये आती है कि बेटा यहाँ से क्या निकल कर आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है गिवन, आपको दे रखा है बेटा AP, AP कितना दे रखा है आपको 200 मिलीमीटर, यानी कि ये मिलीमीटर दे रखा है आपको, एंड AB कितना दे रखा है बेटा 120। अगर मैं PB की बात करूं तो बेटा 80 मिलीमीटर हो जाएगा, ये बात आपको मालूम हो जाएगी। अब देखो आप CP कितना दे रखा है बेटा, CP दे रखा है आपको 160, कितना दे रखा है 160। आपको क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालनी है, आपके पास ये भी वैल्यू नहीं है और आपको क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या होता है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, ये होता है AP मल्टीप्लाई PB इक्वल टू CP मल्टीप्लाई PD, ये बात आपके जहन में आनी चाहिए। यानी कि बेटा AP की गुणा BP के साथ और CP की गुणा DP के साथ करते हैं, तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है बेटा AP की वैल्यू कितनी है बोलिए, AP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, AP आपको 200 दे रखा है मल्टीप्लाई, PB आपका कितना आ गया बेटा 80, और बताइए CP मेरे बच्चे कितना दे रखा है आपको 160। आप यहां से PD की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बेटा आप काटना शुरू कर दो इसको, जीरो से जीरो कट, 8 × 16 ये कितने बार जाएगा 100 बार। अब आप बोलोगे सर अगर सवाल में आपसे पूछा जाता PD की वैल्यू बताओ तो आपका राइट आंसर होगा था कितना 100 मिलीमीटर, तो जल्दी मानकर आप ये आंसर नहीं लगाओगे। आप वो क्यों नहीं लगाओगे बेटा, आपसे पूछा है CD की वैल्यू, आपसे PD की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर PD की वैल्यू पूछता तो आप आंसर लगाते 100 मिलीमीटर, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जब CP आपका 160 है और PD आपका 100 है तो ये आपका ओनली 60 बनेगा, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, सी होगा। मैं आशा करता हूँ बेटे ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर हमारा 5 क्या कहता है, ध्यान से देखते चले जाइए और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूं। देखिए बेटा, टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, अब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट होते हैं और उनकी जो रेडियस है ना मेरे बच्चे वो सेम है, रेडियस क्या है सेम है, और वहां PQ की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे पूछा है द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। यानी कि आप ध्यान से देखो, अगर एक सर्कल ये है आपका, एक सर्कल बच्चे ये है और दूसरा सर्कल आपका ये है, ऐसा समझो आप, दूसरा सर्कल आपका ये है, बट इसकी जो रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस क्या होती है, अगर आप एक सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाहरी सतह पर आप कहीं भी टच करोगे इसको, वो क्या कहलाएगी बेटा, रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस कहलाएगी बेटा, क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस। बेटा इस सर्कल का सेंटर ये मान लेता हूं और इस सर्कल का सेंटर दूसरे बना लेता हूं, ये देखिए आप, एक सर्कल आपका ये है और दूसरा सर्कल बेटे आपका ये है, क्योंकि सेम ही होंगे, जब रेडियस सेम है तो सर्कल की भी सेम होंगे। अगर मैं यहां से सेंटर की ओर टच करता हूं तो आप बोलोगे सर ये सेंटर से अगर यहां तक टच होता है तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर कहलाएगी, और ये सेंटर से यहां तक टच होता है ये भी कितनी कहलाएगी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये है और 6 सेंटीमीटर ये है। अब उसने कहा इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। अब आपको क्या दे रखा है वो ध्यान से सुनते चले जाइए, अगर ये पॉइंट आपका पी और ये बेटा क्यू है और यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है
और आपसे क्या पूछा है, अगर मैं इसको C1 और इसको C2 मानता हूँ तो आपसे पूछा ये गया है बेटा C1 और C2 की दूरी क्या होगी, यानी कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी क्या होगी। अगर बेटा PQ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, PQ कितना दे रखा है आपको 10, अगर मैं यहाँ PO की बात करूँ तो ये 5 होगा, ये क्या होगा 5 होगा। अब ये बताओ C1 से O तक की दूरी और O से C2 की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। वो क्यों इक्वल होगी बेटा, ये 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जब 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो बेटा जो रेडियस है वो दोनों सर्कल की सेम है, तो आपका किसके बराबर होगा, यानी कि C1O बराबर C2O, ये आपस में इक्वल होगा। तो यहां से यदि आप C1O की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखोगे बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, 6×36 माइनस 5×25 बराबर C1O का होल स्क्वायर, यहाँ से कितने आ जाएंगे आप देखोगे बेटा 11 और C1O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 11 आ जाएगी। जब ये बेटा रूट 11 आ जाएगी तो ये भी रूट 11 होगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया आपका 2√11। ठीक है, बात समझ में आई आपके। ठीक है, सवाल में ये कह रखा है बेटा रेडियस सेम है, PQ की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, सेंटर से आपसे दूसरे सर्कल के सेंटर की दूरी पूछी है, ये 6 तो ये भी 6, ये 5 इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, जब ये 5 तो ये भी 5 होगा, कुल मिलाकर तभी तो 10 हुआ। तो हमने C1O की वैल्यू दूरी निकाल ली तो कितना √11, तो ये कितना होगा √11। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। जब बेटा आपके जो सर्कल है ना वो बाहरी एक दूसरे से टच करते हैं और आपको ये टेंजेंट की लंबाई पूछ लेता है कि पी क्यू की वैल्यू निकालिए और इसकी R1 रेडियस दे रखी होती है और इसकी R2 रेडियस दे रखी होती है, तो बेटा जो पी क्यू की वैल्यू होती है वो आपका होता है 2√R1 R2। ये आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। ठीक है, जब R1 और R2 आपको दे रखा होता है तो बेटा PQ की वैल्यू आपसे पूछ लेता है, बात समझ में आई। चलिए बेटा अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब सवाल है, ध्यान से सुनो। सवाल का कहने का मतलब ये है बेटा, देखो एवरेज का सवाल है, ठीक है, बट एग्जामिनर ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में, बट है कुछ नहीं इस सवाल में। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म वाज 6000 एंड दैट ऑफ फीमेल्स वाज 5600, द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वाज 5600, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, आपसे ये पूछा है, सवाल का कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपके पुरुष हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 6000 है और जो फीमेल है उनकी 5600 है, द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, यानी कि कुल मिलाकर, यानी कि मेल और फीमेल, पुरुषों की और महिलाओं की कुल मिलाकर जो सैलरी है बेटे वो 5800 आपको गिवन दे रखी है। आपसे पूछा ये है कि उसमें मेल पूछ सकता है मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है, तो जैसे भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप देखते के साथ ही इसका आंसर दोगे। दे ध्यान से सुनिए आप, देखिए आप मेल की सैलरी कितनी बेटा, आप लगाओगे इसमें क्या एलिगेशन 6000 और बेटा फीमेल की सैलरी कितनी बेटा 5600 और कुल मिलाकर इन दोनों की सैलरी कितनी है 5800। ये आपकी संख्या आएगी, किसकी संख्या आएगी, ये नंबर का रेशियो आएगा, किनका, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, ये कितना बेटा 200 और रेशियो इसको माइनस करोगे बेटे 200 ही यहां आ जाएगा, कितना आएगा 200। अब आप इसको काटोगे तो 1:1 आएगा। अब देखते के साथ ही आप बता सकते हो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, बेटे कुल कितनी संख्या 2, उसमें से फीमेल कितनी 1, तो 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा, आप बोलोगे 50%, तो राइट आंसर कितना होगा
सी, कितना 50%। तो बेटा एग्जामिनर कैसे भी सवाल का रुख को मोड़ सकता है, बट आपको सतर्कता के साथ करना है। ये नहीं कि आपने देखा और इसमें आप सवाल को छोड़ा है। बेटा सवाल है एवरेज का, बट कन्वर्ट किस में कर दिया, परसेंटेज में। तो मैं आशा करता हूं बेटे ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 हमारा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है, ठीक है। और कोशिश करना, पहले आप वीडियो को रोकने के बाद इस सवाल को कोशिश करना आप खुद से करो, और नहीं होता है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। बेटे बहुत ही अच्छे सवाल आपके जो सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है ऑफ 600-903 मीटर, सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 2.85 किलोमीटर पर आवर and 1.5 meter per second respectively when they will meet for the first time। अब सवाल आपको ये कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, क्या है बेटा, एक सर्कुलर पाथ है, और इसका जो आपको पाथ की जो लंबाई दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है, 693 meter। ये कितनी दे रखी बेटा, 693 मीटर आपको दे रखी है। अब सुजाता और अंजलि एक ही पॉइंट से बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से सुनना है कि जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है बेटा, एक बच्ची है सुजाता और एक है अंजलि, सुजाता इधर जाती है और अंजलि इधर जाती है, तो किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगे, किसी सपोज करो इस पॉइंट पर जाकर ये मिले। आपसे ये पूछा गया है व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कितने समय के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, आपसे ये पूछा है। बट आपको क्या देख रखा है बेटा, सुजाता की स्पीड है 2.85 किलोमीटर पर आवर, और अंजलि की स्पीड दे रखी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल आपको ये देखना है कि यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और यहाँ क्या है, मीटर है, और मैंने ऑप्शन पर निगाह डाली तो बेटा ये मिनट में है। अगर मैं इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ मीटर पर सेकंड है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, या तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, यानी कि 1.5 को मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, या फिर आप 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब अपोजिट की बात होती है, यानी कि किसके अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है, अपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं और उसमें जो रिलेटिव स्पीड आपकी होती है बेटा, तो वो रिलेटिव स्पीड होती है बेटे SA plus SB। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में बात आती है, कोई व्यक्ति या कोई दो ट्रेन या दो कोई बस अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो उन वेलोसिटी यानी के स्पीडों को हम जोड़ देते हैं। और यदि बेटा मैं सेम डायरेक्शन की बात करता हूं, यानी कि सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, SA minus SB। बात क्लियर है? अब ध्यान सुनिए क्या होगा। अब ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको मीटर पर सेकंड बनाने की। तो 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में आपको मालूम होगा कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से उस संख्या को गुणा कर देते हैं। तो किससे गुणा करूंगा मैं, 5/18 से। तो अब देखोगे आप, ये 8 और 5 13 और 2 15, क्या ये 3 से कटेगा, आप बोलोगे कटेगा, ठीक है।
आठ अरे नौ, तीन से कट जाएगा तो काट सकता हूँ, छह बार कट जाएगा ये, तीन नम सत्ताईस और तीन पंजे पंद्रह। अब देखो दो अंकों से पहले डेसिमल है, या फिर इसको खत्म कर लो, यहाँ दो जीरो लगा दो। आप इसको पांच से काटोगे, पांच ही करना पांच, और ये कितना हो जाएगा 120। आप और भी काट सकते हो, 24 बार कट जाएगा ये, और ये 19 बार कट जाएगा। यानी कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहले आपको निकालनी है, जो रिलेटिव यानी कि स्पीड आएगी वो बेटा 19/24। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा ये, और ये कितना है बेटा 1.5 को यदि इसको मैं उड़ा दूं, नीचे 10 आ जाएगा, 5 या 15, 5 दुनी 10, यानी कि 3/2 हम इसको लिख सकते हैं। कितना बेटा 3/2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर जी 24, और ये 19, और ये प्लस में 12 या 36, यहाँ इसको ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका 55/24। अब आपके ये क्या आ चुका है, रिलेटिव स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। किस में आ गई बेटा, मीटर पर सेकंड में। अब यहां आपको टाइम सेकंड मिनट में दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, टाइम यदि आप निकालोगे तो ये आपको दे रखा है 993 और 55, और ऊपर गुणा कर दोगे 24 से, तो आप देखोगे ये बेटा क्या है, सेकंड है ना, ये टाइम कितना आएगा सेकंडों में आएगा, तो आपको किस में चेंज करना है, मिनट में, तो इसको 60 से आप भाग लगा दो। 6 से काटोगे बेटा 12 से काट लो, 12 दुनी 24, 12 पंजे 60, इसको काटोगे 11 से 11 पंजे 55, और 11 छंग 66, 3 बज गए 66 में, 69 में से 66 गए 3, कितना 11 तिया 33, तो 63 और धुनी कितना हुआ आपका, ये आपका 2 तिया 6 2 छंग 12, और 25 से लगा दो जी भाग। आप इसको किससे लगाओगे, 25 से, 25 पंजे 125। जैसे ही मैंने देखा कि 5 आ रहा है, मैं आंसर लगा दूंगा डायरेक्ट 5.04। इससे बाद मैं सॉल्यूशन ही नहीं करने का हूँ, क्यों नहीं करने का हूँ, यदि आप इसको डिवाइड करोगे 25 पंजे 125, पॉइंट है, दशमलव लगाओगे जीरो अभी भी नहीं जाएगा, जीरो लगाओगे यहाँ जीरो, 25 चौका 100, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, यानी कि 5.04 मिनट। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सुजाता 2.85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और अंजलि 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और उस सर्कुलर पाथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 693 है, तो वो फर्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो आपके 5.04 मिनट के बाद मिलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे। अगर सवाल ये पूछा जाता कि ये बताइए सुजाता से कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे वो आपस में, और अंजलि से कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे, अगर दूरी की बात होती तो बेटा आप क्या कर देते, आपको स्पीड दे रखी है और टाइम आ चुका है आपका 5.04 मिनट, तो या तो आप इन दोनों की गुणा कर देते, यानी कि बताइए 1.5 × 5.04, इतनी दूरी पर जाके मिलेंगे, यानी कि अंजलि से, अगर सुजाता की बात आती तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, जो हमारी स्पीड आई थी बेटे कितनी आई थी, 19/24 × 5.04। बात समझ में आई आपके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8। आपके 3 सवाल और हैं और आपका ये यानी कि सेशन खत्म हो जाएगा। इफ एक्स परसेंट ऑफ 280 = 15% of 240 + 20% of 310, then the value of x। देखो बेटा इसके दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कोशिश करेंगे हम इसको बिना पेन उठाए करने की, यानी कि जब आपका ऐसा सवाल आ जाए तो कोशिश करना आप डिजिटल सम लगाने की, ठीक है। यदि आप डिजिटल सम लगाते हो तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप इसका आंसर ले आओगे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ बेटा, ये x परसेंट है, x, कुछ बच्चे क्या करते हैं, x परसेंट के गुरु जी x बटे 100 गुणा में 280 बराबर 15% ऑफ 100 गुणा 240 प्लस 20/100 गुणा में 310। आप बोलोगे सर जी यहाँ 100-100 इक्वल आ रहा है, तो सबसे पहले इसको 100 को खत्म करो, ठीक है। अब आपका कितना बचा, 280x बराबर 15 चौका 60, 15 दुनी 30 और 6 36, 3600 ये आ गया गुणा करके, और बेटा 31 दुनी 62। बेटा कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी यदि सिलेक्शन लेना है तब।
अब देखो आप x की वैल्यू निकालोगे तो इसको ऐड करोगे बेटा, ये कितना 2 0, 6 2 8 और 6 और 3 9, और ये कितना आ जाएगा बेटा 280 x बराबर। x की वैल्यू कितनी, भाग लगा दो इससे आप, बस भाग लगाओगे, 0 से 0 कट, 14 2 28, 14 7 98 होते हैं, ये कितना आ जाता है आपका 35। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 35। एग्जाम में ऐसा करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट कोशिश करो डिजिटल सम लगाने की, देखिए डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। ये तो सभी बच्चे कर लेंगे कि हाँ सबको मालूम है x% of 280 कर लोगे आप, और 15% of 240 प्लस 20% of 310, ठीक है। अब कोशिश करते हैं हम इसको डिजिटल सम लगाने की। देखो डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम वहां अप्लाई नहीं होने का मेरे प्यारे बच्चों, कि जब डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 1/3 या 1/6 या 1/9 बनता है, तो डिजिटल सम वहां यूज नहीं होता है। तो आप यहां क्या करोगे, देखोगे बेटा x है ना, तो 8 2 10, 10 का क्या बनेगा 1x बराबर, 5 1 6, और ये 2 और 4 6, ये कितना बना 6 गुणा में 6 6 6 36, 36 का कितना बनेगा 9, 2 और ये 3 1 4, 4 2 8 कितना बना बेटे 8 बन गया, 9 और 8 कितना 17, x की वैल्यू कितनी 17, 17 का डिजिटल सम 8। तो हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 8 आ रहा है, 8 और 3 11, 11 का 2 बन रहा है पहला ऑप्शन नहीं, 5 और 3 8, 3 और 0 3, 4 और 0 0, तो आपका कौन सा एक ऑप्शन है, सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ये क्राइटेरिया नहीं अपनाना है, आप कोशिश करना आप डिजिटल सम लगाने की। एक बार मैं फिर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही ध्यान से आपको इस सवाल को देखना है। चलिए ध्यान से देखिए आप कि एक्स परसेंट ऑफ 280, x को छोड़िए आप, x मान लीजिए ये x है, परसेंटेज छोड़िए आप, 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1 इज इक्वल टू 5 1 6, 4 2 6 प्लस 2 गुणा 3 1 4, 6 6 36, 36 में 3 और 6 का योग कितना 9 प्लस 4 2 8, ये कितना बचे बने 17, 17 का डिजिटल सम कितना 8। तो हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में को हम डिजिटल सम करें जिसका योग कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 8 और 3 11 नहीं हो सकता, 5 और 3 8, तो आपका राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम सेकंड लास्ट सवाल पर। देखिए आपको सवाल आपके सामने जो लिखा है बेटा, ये सवाल आपका मीन प्रोपोर्शनल यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, बट सवाल में किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगा दिए, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया आपको, ठीक है। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर्स। आपको दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर नहीं दे रखे बेटा, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल समझ लो क्या होता है बेटा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब दो संख्याएं आपको गिवन दे रखी हैं, सपोज करो बेटा ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, कितना निकालना है ए और बी का, तो आप क्या करोगे कि मीन का मतलब ये होता है, मीन प्रोपोर्शनल की बात यदि मैं करूं यानी कि हिंदी में बात करूं कि मध्य समानुपाती क्या होता है, और समानुपात की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो समानुपात ये होता है कि जब दो अनुपात आपस में इक्वल होते हैं तो एक समानुपात का जन्म होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा, हम बीच वाले को x मान लेंगे, जो हमें निकालना है उसको ही हमने क्या मान लिया बेटा x, और अब सिर्फ और सिर्फ समानुपात का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि a अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन b, जब दो अनुपात आपस में इक्वल होते हैं तो समानुपात बनता है। तो यहां से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा ए बी, और x की वैल्यू होती है अंडर रूट ए बी, बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शनल भी देख लीजिए बेटा, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपको कैसे निकालना है,
थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं ए बी। अब जिसको जो वो पूछा है उसको ही एक्स मान लो, और आप यहाँ करोगे ए बटे बी बराबर बी अपॉन एक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए। बेटा रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझोगे ज़्यादा सवाल कर लोगे, रटोगे तो बस रट के वहाँ बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब भी कर सकते हो, बट रटना नहीं है। अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल इसी टाइप से पूछता है तो आप क्या करोगे, यदि फोर्थ आपसे पूछन लगे तो बेटा फोर्थ में क्या करोगे, ध्यान से सुन लो, ए बी और सी जो पूछा है उसको एक्स मान लो बस। ए बटे बी बराबर बी अपॉन सी इजिकल टू सी अपॉन एक्स, सिर्फ आपको इससे लेना देना है। तो बेटा ए बटे बी इजिकल टू सी अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी, बी सी अपॉन ए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट हम अपने सवाल पर चलते हैं, सवाल क्या कहता है ध्यान से सुन लीजिए। आप सवाल में आपसे पूछा है कि बेटा जो आपको गिवन दे रखा है वो दे रखा है एलसीएम कितना होता है, एलसीएम आपको दे रखा है बेटा 12 एंड एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 2। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर क्या होगा, तो ये बताइए एलसीएम क्या होता है, कि किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या कहलाती है किन्हीं दो संख्याओं की जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित, यानी कि क्या हो जाए उस संख्या से कट जाए। अगर मैं बात करूं या एचसीएफ कितना 2, तो पहली संख्या तो 2 होगी और इसका क्या होगा बेटा 12। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखूं तो 2 कहलाएगा, और इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम देखूं तो 12 कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या आ चुकी है, अब आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, अभी बताया था अंडर रूट 2 गुणा में 12। अब इसको क्या करोगे बेटा, 4 गुणा 3, 4 × 3 = 12, तो बेटा 2 बाहर आ जाएगा और 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, 2√6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आखिरी आज की क्लास का आखिरी सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आया है और आपको कोशिश करनी है इसको अच्छे से समझने की, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये सवाल है बेटा, हो सकता है आपके आगामी जो परीक्षा आ रही है यूपी पुलिस और आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आ रही है, और बेटा यूपी एसआई की जो वैकेंसी आ रही है उसमें शायद ये आपको देखने को मिल जाए, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए उसकी गणना में कोई गलती नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया होगा। तो बेटे आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपने देखा होगा डिविडेंड क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो बेटा भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है और बेटा भाजक क्या होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य। यदि मैं भाज्य की बात करूं, देखो आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं कोई संख्या लेता हूं बेटा 36 है, अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूं तो ये संख्या आपकी कहलाएगी भाज्य, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर ये आपकी संख्या है तो इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, यानी कि डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो भाग यानी कि भाजक होता है। और इससे भाजक भाग करने के बाद जो आता है वो भागफल आता है, जो रिमेनिंग बचता है वो शेषफल। सपोज करो आपने 5 से 36 को भाग लगाया, 5 से 36 को 5×5=25, जो सॉरी 5 × 7=35, 7 बार चला जाएगा और 1 आपका शेषफल बचेगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रिमाइंडर कहलाएगा आपका। ये आपका क्या कहलाता है, भागफल को क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर बोलते हैं, और ये आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड, DANT, डिविडेंड होता है बेटा ये। और इसकी मैं बात करूं, ये सॉरी
क्यूसेंट होता है, डिवाइजर नहीं होता बेटे, ये क्यूसेंट होता है, क्यूसेंट होता है, और ये आपका डिविडेंड यानी कि डिवाइजर होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वो डिवाइजर होता है। यदि मैं बात करूं 36 को निकालने की, तो भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल, और प्लस शेषफल, ये आपका होता है प्लस शेषफल। ठीक है, अब हम सवाल पर आ जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं एक तरफ लिखूंगा राइट और एक तरफ लिखूंगा रॉन्ग,